1990 में कुछ ब्राह्मण जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उन्हें निकाल दिया गया था और इन्हें अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है। पहले तो ब्राह्मणों के ऊपर जो है आघात पहुंचाई जाती थी, अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या ये लोग मांग कर रहे हैं, किन्हें किन्हें ये ज्ञापन सौंपेंगे आज। सर पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम संदीप राज कोल है। सबसे पहले मैडम मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, शायद ना पता हो कई लोगों को, कि एक्चुअली जितने भी हिंदू है कश्मीर में वो सारे कश्मीरी पंडित ही है या ब्राह्मण ही है। मतलब वहाँ पे जो बचे रहे वो खाली हिंदू जो भी बचा वहाँ पे वो ब्राह्मण ही बचा कश्मीर में। जी, और उसके बाद में कुछ राजपूत भी है जो बचे हैं, कुछ एक फैमिलीज़ है, बट वो बाद में आए थे। बट जो एक वहाँ के जो कहेंगे ना, जो इंडिजीनियस है ग्रुप, जो हिंदूज बचे रहे, जो जिनकी 5000 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है, वो कश्मीरी हिंदू ही थे और वो हिंदू सारे ब्राह्मण ही थे बाय डिफ़ॉल्ट। जहाँ तक आज की बात है मैडम, तो जैसे आप पीछे देख रहे हो ये माता बरगा शिखा का जो मंदिर है इसको तोड़ा गया है, जो हमारा जो धार्मिक स्थल है वहाँ तोड़फोड़ की गई। और इसकी मेन वजह ये रही कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। 2019 तक मोस्टली सरकार दे रही थी सिक्योरिटीज़ मंदिरों में, और 35A और 370 का हटाने के बाद उन्होंने देना बंद कर दिया, जिसका फ़ायदा जो वहाँ के मिसक्रियंट्स हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू वापस आए, या ये जो एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, ये उनका काम है। और हमारा तो सरकार से ये बेसिकली रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उनको सुरक्षा दी जाए, जो टेंपल्स तोड़े गए हैं उनको रिनोवेट करा जाए, क्योंकि हमें ये पता चला है कि जो सरकार है वो वहाँ पे मदरसों में भी, इवन मस्जिदों में भी फंडिंग दे रही है, बट हमारे को फंडिंग नहीं आई है, हमारे किसी भी मंदिर पे कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब वहाँ पे सरकार भी थी, शायद ये खानियार में हुआ था, तो वहाँ पे खानका जली थी, तो वो सरकार ने अपने पैसे से खर्च करी थी, करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च किया था उन्होंने उस खान को फिर से रेडी करने में। मगर जहाँ तक कश्मीरी हिंदुओं की या हिंदुओं के मंदिरों की बात है, तो कभी कोई पैसा खर्च नहीं करती सरकार। यहाँ पे देखिए, सबसे मेन बात ये है कि जब किसी भी समुदाय का मंदिर खतरे में रहेगा, तो वो समुदाय कैसे खुद सुरक्षित रहेगा। और जैसे कि आप जानते ही होंगे, कल मिस्टर ML बिंद्रो जी की डेथ हुई है, मतलब उनको बेसिकली मारा गया है कल, और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मारा है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बेसिकली इन्फॉर्मर था। इसमें थोड़ा सा पीछे जाने की बात है कि जब 1990 में पलायन हुआ था, हमारा सबका हुआ था, तो उस टाइम पे जब ये किलिंग कर रहे थे ना, तो उसमें ये कह रहे थे कि ये खबरी है, ये इन्फॉर्मर है, ये क्या कहते हैं उसको, काफिर है। इन्फॉर्मर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, मतलब ये इन्फॉर्मर है, इसको मार दिया तो मतलब इसकी पहचान कुछ और रूप में दिखा। हाँ, और बेसिकली वो क्या करना चाह रही है, क्रिएट पब्लिक में भ्रमित भ्रम है। देखिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि वापसी की बात कर रही है, तो इसलिए भी ये जानबूझ के कश्मीरी पंडितों को अब मारना शुरू कर रहे हैं। ये तो ये बिंद्रू जी जो थे, ये तो इनका तो पलायन भी नहीं हुआ, ये तो वहीं पे थे पूरा टाइम। बड़ी ये दुखद घटना है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे है कि वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। तो आप लोग अब किससे उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं आपके लगातार प्रोटेस्ट भी होते हैं, यही मांग आपने कई बार रखी है नई दिल्ली के जंतर मंतर। बिल्कुल बात आपकी सही है, मांग तो एक ही है पिछले 31 सालों से है, सरकार ही नहीं मान रही। जितने भी पत्रकार है सबको पता है मांग क्या है। हाँ। सबको पता है, सरकार को भी पता है। अब आप इसी देश में रहते हैं, भारत देश में, और अपनी पहचान के लिए भी आपको पहले आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। नहीं देखिए, उसमें तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे जो भारतवर्ष के निवासी है जितने भी है, उन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, पूरा सम्मान, पूरा सहयोग जिसको कहते हैं वो दिया है। और ये जो हमारे बाकी भारतीय भाई है, ये उन्हीं की बेसिकली कृपा है, उन्हीं का सहयोग है कि आज कश्मीरी पंडित समुदाय अपने पैरों पे खड़ा है। और खाली उतना ही नहीं, मुझे तो लगता है शायद जो 30 साल पहले जोड़ के आया था ना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है संपन्न हो। तो इसका तो सारा का सारा श्रेय मैं जो भारतीय लोग हैं, जो हमारे भाई है यहाँ पे, उन्हीं को मानता हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं।
लेकिन सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोग। सरकार तो देखिए, सरकार का अपना एजेंडा चलता रहता है, वो तो कश्मीरी पंडितों को केवल वोट बैंक्स के वोट बैंक के रूप में देख रही है। और हमारा नाम तभी लिया जाता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं। जब इलेक्शन नहीं होते तो हमारे जो प्रतिनिधि है वो तो हमसे मिलते भी नहीं है, जो चाहे भाजपा के हो चाहे कोई भी, हमसे मिलते भी नहीं है वो। जब वोट जब इलेक्शन आने वाला होता है तो उससे पहले आप चर्चा भी सुनेंगे कश्मीरी पंडितों की, हो सकता है कोई नेता आ भी जाए। तो बेसिकली हम चुनावी मुद्दा है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा, और कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में आज की डेट में। जैसे मौजूदा सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है, क्या आपने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष से बात करी? एक्चुअली मैं आपको सही में बताऊँ ना, हमें तो मोदी जी की सरकार से जितनी उम्मीद थी या है उतनी किसी से नहीं है, और विपक्ष से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हम अगर सपोर्ट अगर हम यहाँ पे धरना भी कर रहे हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, तो वो ये समझ लीजिए जैसे घर में होती है बात, एक घर में जैसे परिवार में होती है ना बात, आप बड़े बुजुर्ग से शिकायत करते हैं, वो वाला है। वोट तो हमारा फिर भी पूरे समुदाय का, भाजपा को ही आएगा, ये भी पक्की बात है। मगर हाँ देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करे। तो आज आप किसी किसे मेमोरेंडम सौंपेंगे? हमारा जो है HMO को जाएगा, होम मिनिस्टर उनको जा रहा है, उनके ऑफिस में जा रहा है। अब आप लास्ट में क्या मांग रख रहे हैं? देखिए अभी तो आज के संदर्भ में ही हम रखेंगे जो आज हो रहा है, तो आज तो हमारी जो मुख्य मांग रहेगी कि जो हमारे जो मंदिर तोड़ रहे हैं उसको सुरक्षा दीजिए, ये हमारी आज मेन मांग रहेगी। क्योंकि हमारा मेमोरेंडम देखिए पहले ही कल ही बन चुका था, नहीं तो आज हम जो कल जो निर्मम हत्या हुई है बिंद्रू जी की, उसको उसका भी हम पॉइंट ले सकते थे, बट फिलहाल जो मेमोरेंडम जाएगा वो मंदिर के संदर्भ में ही जाएगा। शायद आपने देखा होगा हमने कई सारे वो मंदिर की फ़ोटो भी लगा रखी थी जो तोड़े गए हैं, शायद आप लेट आई होंगी, कई सारी ये देखिए, ऐसे कई सारी है, ये देखिए हाथ में, ये मंदिर है, ये देखिए क्या है, इसकी क्या हालत हुई थी, ऐसे कई मंदिर है जो तोड़े गए हैं और कोई सुध नहीं ले रहा उनकी। और हम तो देखिए, मैं अभी पहले भी आपसे ये बात बोल चुका हूँ, जब तक हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक कोई भी समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, और हम तो खास तौर पे आप कुछ इंडियन डॉग्स, ये मंदिर की दीवार, मंदिर की मूर्तियाँ है, ये नाम भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो नीचे नाम लिखा होगा हर एरिया के मंदिर पे। देखिए अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, मैं देखिए ये आपका शिव मंदिर है, ठीक है सर, ये आपका ये देखिए, अब ये शिव मंदिर है, अब ये देखिए आप, ये कौन सा है, ये भी राजनगर का मंदिर है, ये तोड़ दिया गया, इसको हमने मगर रिनोवेट कर दिया है, बट ये कर दिया था इन्होंने, मतलब ठीक कर दिया, हमने ठीक कर दिया सरकार का कोई। ये देखिए ये एक और देख लीजिए, यहाँ पे ये वाले मंदिर है, ऐसे हमारे पास बहुत से ऐसे मंदिर है, ये एक और है, ये है देखिए, ऐसे कुल मिला के ये तो आपके पास बहुत है, ये तो बहुत है, 100 के ऊपर है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये हाँ ये देखिए आप, ये देख सकते हैं कितने मंदिर है, कई सारे जो है ना हमने रिनोवेट कर दिए, शिव मंदिर है ये जो हवा का, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं डिस्प्ले में है, ये असली कितना है? असली तो बहुत ज्यादा बहुत है। तो आज तक कहाँ बैठे थे सारे के सारे, जाते सरकारें थी पिछले 32 सालों से, कौन मदद है इसकी? कोई मदद नहीं है। और आज तक मेरे को बताया कि जबकि गवर्नमेंट को मालूम भी होगा कि वहाँ पे कि इतने तोड़े गए, क्या किसी टाइम अच्छा, पे कोई तरीके हिंदू समुदाय की जो आस्था है मंदिरों से जुड़ी हुई है, भगवान से जुड़ी हुई है, और इस तरीके की हरकतें श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे? ये तो खाली मैं विनोद कौल बोल रहा हूँ, जो आज ऑर्गेनाइज किया है जम्मू के सुप्रिंटेंडेंट, उसी का टीम मेंबर हूँ मैं, जो हमारे मेरे साथी ने भी कहा था कि हम खाली जो रिसेंटली हमारा जो मंदिर तोड़ा गया है अब, और जो ये वाला है तो अभी 2-4 दिन पहले तोड़ा गया है, ये आपने सारा चीज़ देख लिया कि हमारे एक प्रूफ भी हमारे सामने। आस्था की बात कर रहे हैं, हिंदू जो वहाँ पे उसको तो अपने धर्म पे तो आस्था रहेगी रहेगी, हमेशा ही रहेगी, लेकिन हमारा ये चीज़ है कि भाई अगर अगर किसी मुस्लिम या किसी अन्य धर्म दूसरे धर्म का कोई मस्जिद को अगर तोड़ा जाता है या उसकी ईंट तक भी नीचे जो उतार दी, दीवार एक नीचे आ जाती है, या बाकी किसी भी चीज गिरजाघर में कोई होता है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है चीज़ों की। आप एज ए जर्नलिस्ट आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने हमने उनके प्रूफ दिखाया है, क्या हुआ और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ एक्सपेक्ट हम ये कर सकते हैं जो मीडिया है जो आप इस चीज़ को उछालेंगे इस चीज़ को, पूरी हमें पूरी कन्फर्म है कि आप यहाँ पे आए हैं
अपने हमारे बुद्धों को उठाया है उसको आगे लेके जाए। सारा जितना भी है मीडिया के ऊपर सारे डिपेंड है। आज हम बहुत कुछ करते रहे पिछले 32 सालों से, खाली हम मंदिरों के लिए नहीं करते रहे, हमारे रिहैबिलिटेशन के लिए किया है, रिलीफ की हमारी बात होती है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात होती है, आज तक इसे क्योंकि सुनवाई नहीं हुई है। अपने अधिकारियों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मकसद करनी पड़ी। हाँ, ये खाली एक या तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरे भाई साहब बगल में इनकी बात नहीं, हमारे कश्मीरी हिंदुओं का जो जितने भी घर है जो फैमिलीज है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने जिसकी जिसको परेशानी ना आई हुई होगी, अनगिनत बनाना अगर बनाना बताना स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को तो 32 साल के 100 साल भी पूरे नहीं हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता सर ये जब भी जैसे मंदिर को ध्वस्त किया जाता है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी इस चीज़ें होती हैं? बात तो वही है ना, वोट बैंक। आपको पता है कि भाई ये वोट हमारे पास आया तो कभी मंदिर का उठा लिया या कभी कश्मीरी हिंदुओं का उठा लिया, कश्मीरी जो हमारी समस्या है उसके ऊपर डिबेट्स होती है, वो होती है, इलेक्शन एक बार ख़त्म होता है सारी डिबेट्स बंद हो जाती है, फिर कहीं कुछ ये तो कश्मीरी पंडित हो गए या फिर हिंदू, कश्मीर पंडित नहीं है, हिंदू में भी आपको देखेगा हर जगह पे कोई छोटी जात का कोई नीचे जात का, लेकिन हमारे यहाँ पे कश्मीर में वहाँ पे ऐसे कोई आपको छोटी जात का हिंदू नहीं मिलेगा, मिलता आपको सब एक जात के हिंदू थे, बाकी पूरे हिंदुस्तान में देखे कोई एक जात का दूसरे जात का, लेकिन वो जात भी हिंदू ही है, वो हम लोगों ने बांटा हुआ, लेकिन कश्मीर में एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक कश्मीरी हिंदू है तो हिंदू ही है, कोई दूसरे कास्ट का नहीं, इसका नहीं, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो भी पूरी ख़त्म हो गई है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वोट बैंक की ये राजनीति चली जा रही है जिससे जिस कारण आप लोगों को नुकसान हो रहा है, तमाम हिंदुओं को नुकसान हो रहा है? देखिए मैं तो शॉर्ट में ये चीज़ कहूँगा, एनएफ इज एनएफ। अब सरकार को अपनी आँखें खोलनी चाहिए, उनको पूरे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखना पड़ेगा, वह हमारी जो डिमांड इतने सालों की है कि आज तक क्यों नहीं हुई है। हम सरकार से, अभी आपने मेरे मित्र से पूछा था कि अपोषण के बारे में, आप खुद इसके बारे में बता सकते हो उन्होंने क्या किया, खाली उन्होंने ये जो कश्मीर के जो आज यहाँ बैठे जो पिछले 32 सालों से ये वो अपोषण के ही द्वारा ही हुई है, मैं खुले बोल सकता हूँ, बिना किसी डर की वजह से, बिना किसी चीज़ की वजह से जो बैठी है, जो पिछले 37 साल से हिंदुस्तान में बैठी है, उन्होंने देखिए हर जगह यही हुआ है उनके, उन्होंने सबको तबाह करके रखा है, फिर भी हमें उम्मीद है, देखिए क्या होता है, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ वो तो कोई भरपाई नहीं होगी उस चीज़ की। यानी कि आपको मौजूदा सरकार पर पूरा विश्वास है कि वो इस पर कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेंगे? देखिए अभी हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, अगर देखा जाए, मैंने पूछा आप लोग विपक्ष के पास भी जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के, उनसे भी कुछ ना कुछ? सारा का सारा तो विपक्ष का किया हुआ है। अच्छा। ये तो सारा का सारा विपक्ष का किया हुआ है, हिंदुस्तान खाली कश्मीर को नहीं, हिंदुस्तान के हर एक जगह पे उन्हीं का किया हुआ काम है, वो कश्मीर का हो, यूपी का हो, कहीं पे भी हो, ये तो मौजूदा सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है जब उन्हीं का चीज है? ये तो हमारे डिमांड्स है, मैंने आपको अभी भी कहा है कि अगर सरकार नहीं आंखें खोलेगी, अभी ये सरकार को सोचना है। अगर आज भी आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी आपकी इन मांगों को नहीं सुना जाता, तो कुछ और भी है आप लोगों का प्लान, क्या करेंगे? देखिए अभी तो हम उसके बारे में आपको कहने से क्या प्लान है, वो फिर जब बात हो जाएगी सबसे मिलेंगे, वो प्लान तो आगे, वो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बस इतना ही है कि जो गवर्नमेंट है उसको हमारी बातों को सुनना चाहिए, हमें कितनी प्रताड़ना हुई है, हमें लोग कितने लोगों को मारा गया है, कितने मंदिरों को जलाया गया है, हमें घर से बेघर करके रखा गया है, कितने मंदिर और कितने इसमें जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मतलब मृत्यु, हाँ जाने को भाई, देखिए बहुत से सोर्सेस से अलग अलग डाटा है, लेकिन यह है कि कुछ ने लगभग 500-700 लोगों को तो मारा ही गया होगा। कौन से सन से? 5000 मैं किनकी मारा गया है? 5000 का डाटा है। हाँ सॉरी मैं थोड़ा 5000 का डाटा, आपने क्या कहा था अभी? मतलब कितने सन से? ये तो मैडम सन 32 साल से 32 साल से, लेकिन ये कहानी खाली 32 सालों की नहीं है सर, मैडम ये कहानी जो है पिछले 700 सालों में, जैसे हम कहते हैं कि हिंदू धर्म
या कश्मीरी धर्म जो हिंदू धर्म है वो पिछले 5000 साल से 7000 सालों से हमारी एग्जिस्टेंस है। जो हमारा कश्मीरी जो धर्म है वो भी पिछले 5000-6000 सालों से है हमारी। और जो हमारे साथ ये जो आप कह रहे हैं, जो आपने सुना होगा कि कश्मीरी हिंदू पिछले 32 सालों से यहाँ पे अपने घर से बेघर कराए गए जहादी अलमेर में, तो सीधे कह सकते हो कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के द्वारा। मैं डरने वाला नहीं है, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। किसी को मिर्ची लगेगी, कल मेरे को अगर कोई गन भी उठाना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ, मैं वो भी तैयार हूँ करने के लिए। जहादियों के खिलाफ, जहादियों के खिलाफ हमारे पास पिछले जो हमारे निष्कासन हुआ है ये पिछले 700 सालों से हो रहा है। 700 सालों में ये जो 32 साल पहले हो चुके हैं, सातवीं बार है ये नया चीज़ नहीं है। यही चीज़ है, इसको दबाया गया। अभी 370 आई है उससे भी आप लोगों को कोई देखिए फर्क अब आ कि 370 और अगर कल का है तो अगर सैटरडे को ये मंदिर जलाया तोड़ा गया यहाँ पे, और कल ही हमारे पास मखनलाल बिंद्रू जी जो हमारे वहाँ पे रह रहे थे कश्मीर में, जो 32 साल से वहीं पे, तो उनको मारा गया, जो इन्फॉर्मर उनको बनाया गया इन्फॉर्मर है वो चीज़। तो जब तक कि वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी हम कैसे बोल सकते कि हमारी वहाँ पे प्राण सुरक्षा है। वहाँ पर जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा नहीं है, हमारे रिहेबिलिटेशन। मेरी गवर्नमेंट से ये मांग है कि जब तक कि वहाँ पे पूर्ण शांति होगी। एक और चीज़ मैं सुझाव जो बहुत से मैं कह एक चीज़ कहता हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ बिना डर के कह रहा हूँ, मैं न मेरे को डर है। जिस दिन वर्ल्ड के मैप में पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा उस दिन पूरे विश्व में शांति होगी। पूरे पाकिस्तान एक सबसे जड़ है, जहाँ से सब आईएसआई सब जितने भी है सब वही माँ बाप वही आतंकवादियों के। जब तक पाकिस्तान का नक्शा हिंदुस्तान वर्ल्ड के कोने में मैप में नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड की शांति नहीं हो जाएगी। आपका नाम? मेरा विनोद कौल है।